हेलो फ्रेंड्स, लीनास किचन 24 में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल निरामिस दम आलू। निरामिस दम आलू मतलब इसमें हम प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मसाला की तैयारी करेंगे। 4 सूखा लाल मिर्च लेंगे, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 8-10 लौंग लेंगे, छोटा 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटा चम्मच खसखस पप्पी सीड या पोस्तो। मसाला को थोड़ा भून लेना है। गैस को मीडियम फ्लेम में रख के 2-3 मिनट हम इसे भूनेंगे। मसाला हमारा चटक गया है और खुशबू भी निकल रहा है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जैसे ही मसाला ठंडा हो जाए, ग्राइंडिंग जार में हम इसे ले लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। मसाला को हमने पीस लिया है। देखिए, पीसने के बाद मसाला को ढक के ही रखना है, वरना इसका खुशबू निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 बड़े साइज के आलू लिया है और आलू को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, बड़ा बड़ा करके। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। छोटा 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे साइड कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को इस तरह से स्लाइस में कट लिया है और इसी के साथ में हम लेंगे 2 चम्मच तरबूज के बीज, थोड़ी सी काजू बादाम और हरी मिर्च लेंगे 6-7, एक कम तीखी वाली हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक लेंगे, 4-5 अदरक के स्लाइस ले लिया है। सारे मसाला को हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और थोड़ी सी पानी ऐड करके हम इसे फाइनली पीस लेंगे। तो मसाला हमारा सारे तैयारी हो गया है। देखिए, इसे भी हम साइड कर देंगे और ढक के रखेंगे। अब हम जिसमें दम आलू को बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एक लगन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल। इस रेसिपी को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया जाता है। अगर आप बंगाली स्टाइल में बनाना चाहते हैं, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो जो आपको पसंद है। आलू को गैस को मीडियम फ्लेम में रख के चारों तरफ इस तरह से घुमा घुमा के फ्राई करनी है। इस समय गैस को आप मीडियम फ्लेम पर ही रखें, वरना आलू जल जाएगा। सारे आलू को हमने 5-6 मिनट फ्राई करके निकाल लिया है। इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, कलर के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने गैस को बंद कर दिया था अभी, ताकि मसाला हमारा जले ना। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अच्छे से मसाला को मिला लिया है। ऑलरेडी हमारा ऑयल गर्म था। अब हम इसमें जो मसाला पीसा था वो मसाला डाल देंगे और मसाला को गैस को मीडियम फ्लेम में रख के 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इसमें सिर्फ कंदा लहसुन नहीं रहेगा, बाकी सब मसाला रहेगा। 2-3 मिनट मसाला को भून लिया है। अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को धीमी आंच पर रख के ही पूरा हमें इस रेसिपी को बनाना है। अब हम इसमें 2 चम्मच मसाला ऐड करेंगे, जो मसाला हमने पीसा था। मसाला को भी ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। देखिए, धीरे धीरे ऑयल ऊपर आ रहा है और कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। मसाला अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को एकदम लो आंच पर ही हमें बनाना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। दही को पहले अच्छे से फेंट ले और दही मिलाते समय गैस को एकदम कम रखिए, या फिर आपको लगे कि दही थोड़ा 2-3 दिन का पुराना है तो गैस को बंद करके दही को ऐड करें। इस समय हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच चीनी, शुगर या शक्कर,
सब्जी को बैलेंस करने के लिए चीनी आप जरूर ऐड करें। इस सब्जी में चीनी ऐड किया जाता है। अच्छे से मिला लेंगे इसे। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को हम एकदम लो फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। 10-15 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू और पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और बाय चांस आपको लगे कि ग्रेवी सूख गया है, पानी कम है, तो आलू को हटा के बीच में थोड़ा सा पानी इस तरह से डाल दे। एक साथ में बहुत सारा पानी ना डाले, फिर जो इसका टेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। अच्छी तरह मिला लिया है। अब हम फिर से इसे ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ना आलू हमारा अच्छे से कुक्ड हो जाए। ये स्टीम जितना भी जमा हुआ है ना इसी में ही हमारा आलू बॉयल हो जाता है। ढक्कन को हटाएंगे थोड़ी देर के बाद और बीच बीच में आप आलू को चेक करना कि आलू हमारा अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए दम आलू हमारा बन के तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच घी, थोड़ी सी कचूरी मेथी, इस तरह से क्रश करके डाल दे। फिर हम कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई जरूर करिए। इसे बनाना एकदम आसान है मगर खाने में बहुत ही जबरदस्त टेस्टी होता है। इस दम आलू को आप पुलाव के साथ में खा सकते हो, रोटी के साथ में खा सकते हो, पूरी के साथ में खा सकते हो। बहुत ही जबरदस्त टेस्टी लगता है। दम आलू बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ढक के कुछ देर हम इसी में ही रखेंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो ये रहा हमारा बहुत ही जबरदस्त लाजीज दम आलू। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।